इधर बात ब्लैक फंगस को लेकर करते हैं। ब्लैक फंगस को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान सामने आया। स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से ब्लैक फंगस होता है, स्टेरॉइड का दुरुपयोग रोकने की जरूरत है। कई राज्यों में कोरोना मरीज ब्लैक फंगस के शिकार हुए हैं। स्टेरॉइड के गलत इस्तेमाल से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा है। स्टेरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है उनमें स्टेरॉइड देने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टीरॉयड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टीरॉयड्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर उनको उस व्यक्ति को डायबिटीज भी है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।